दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दें कि आज का यह वीडियो बिल्कुल कमेंट बेस्ड वीडियो है रोली गुप्ता फ्रॉम कानपुर का। अगर आप लोग को याद होगा तो अपने चैनल पे मैंने जो दूसरा वीडियो डाला था उसमें एक प्रूफ किया था 3+3=7 और मैंने आपसे कहा था कि इस प्रूफ में रॉन्ग स्टेप है, आपको ढूंढना है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर इसमें रॉन्ग स्टेप पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 3+3=7 जिस दिन 7 होने लगेगा ये पूरा दुनिया ऊपर से नीचे हो जाएगा। 3+3=7 कभी नहीं होता है, उस प्रूफ में एक रॉन्ग स्टेप है, ढूंढिए। आप खुद सोचिए ना कि अगर 3+3=7 होगा तो मैथमेटिशियन जो दुनिया में इतने बड़े बड़े इंडिया के मैथमेटिशियन थे, रामानुजन थे, आर्यभट्ट थे, या और भी आपके पटना के वशिष्ठ नारायण थे, इन सब का तो समझिए कि मान लीजिए कि धजियां ही उड़ गया, इन सब का बिल्कुल धजियां उड़ गया। ऐसा नहीं है, 3+3=7 नहीं होता है, बल्कि उसमें एक रॉन्ग स्टेप उठाया गया है जो आपको बारीकी से देखने से पता चलेगा, या 0/0=2 भी नहीं होता है, आपको उसमें रॉन्ग स्टेप पता करना पड़ेगा। और कुछ बच्चों ने सही जवाब भी दिया, उनको उनके जवाब को देखकर बहुत खुशी भी हुई कि चलिए कम से कम कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उन्होंने रॉन्ग स्टेप के बारे में बिल्कुल सही बात बताया। तो खैर इस बात से हटकर हम आते हैं मेन मुद्दे पे। रोली गुप्ता फ्रॉम कानपुर जिन्होंने कमेंट करके बोला कि सर जिस तरीके से आपने 3+3=7 प्रूव किया है उसी तरीके से हम लोग 2+2=5 भी प्रूव कर सकते हैं, तो मैं बता दूं रोली गुप्ता आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। जिस तरीके से मैंने 3+3=7 प्रूव किया है उसी तरीके से आप 2+2=5 भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन अगर रॉन्ग स्टेप पता चल जाएगा उस दिन 2+2=5 भी नहीं बल्कि 3+3=9, 8+8=20, 10+10=40 कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। और मैंने सारे बच्चों को यही बोला है कि आपको इसमें रॉन्ग स्टेप ढूंढना है, तो जितना जल्दी हो सके वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखकर रॉन्ग स्टेप बताइए, क्योंकि आपको मैथ का ये छोटा सा मिस्टेक पता होना चाहिए कि मैथ में छोटा छोटा मिस्टेक्स होता है जिसकी वजह से आप कभी कभी गलती कर देते हैं। अगर आप लोगों ने 3+3=7 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिए, या नीचे यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, कहीं भी जाकर आराम से देख लीजिए। इसके बाद रोली गुप्ता का सेकंड कमेंट है कि सर आप 0/0=2 प्रूफ कीजिए, मतलब 0/0=2 प्रूफ कीजिए। तो मैं बता दूं कि 0/0=2 नहीं बल्कि 0/0=4, 0/0=8, मतलब 0/0=10 कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, चाहे जो आपकी मर्जी है वो प्रूफ कर लीजिए, लेकिन फिर से बता दूं कि उसमें भी एक रॉन्ग स्टेप रहेगा, क्योंकि बिना रॉन्ग स्टेप के 0/0=2 या 0/0=8 या 0/0=20 कुछ भी प्रूफ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ में कुछ कमियां है, कुछ खामियां जो लोग नहीं बढ़िया से बेसिकली से जानते हैं, क्योंकि मैथ में कुछ कमियां है, कुछ खामियां है जिसे हम बेसिक तरीके से बढ़िया से नहीं जानते हैं, और बेसिक तरीके से न जानने की वजह से हम सभी गलतियां कर देते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि आपको उस गलती से अवगत कराएं, और मैंने बोला भी था कि जिस दिन मेरे चैनल पे पूरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं गलती के बारे में पूरे फुल्ली एक्सप्लेनेशन से वीडियो बनाऊंगा, और जिस दिन मैं बनाऊंगा मैं आपसे गारंटी देता हूं कि उस दिन वीडियो देखने के बाद आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8+8=20, 8+10=2 आप प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी ले लीजिए, 50, 100 कुछ भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ वही रॉन्ग स्टेप आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको 0/0=2 के साथ साथ कोई अदर प्रूफ भी करके दिखा दूंगा जिससे आप कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हाँ वही बात है कि आपको खोजना है उसमें रॉन्ग स्टेप, कि क्या है रॉन्ग स्टेप, क्या है उसमें रॉन्ग स्टेप, वो आपको खोज के कमेंट बॉक्स में फट से जल्दी से जवाब देना है। तो फिर से पुराने स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम 0/0=2 प्रूफ करेंगे, मतलब कि 0/0=2, और जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा इसके बाद हम 0/0=8 प्रूफ करेंगे, मतलब कि 0/0=8 हम ये दोनों प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले ही बता दूं कि इन दोनों प्रूफ में स्टेप रॉन्ग रहेगा, रॉन्ग स्टेप रहेगा, ठीक है, आप लोगों को रॉन्ग स्टेप फिर से बताना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं अपने मन से इधर 2 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि पता है कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, 4=4 होता है। अब इसके बाद अपने मर्जी से मैं 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ भी 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे तो 2 के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर को मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, ये भी हो गया आपको 4। अब आगे अगर मैं बात करूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां से 4 से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां भी 2 बचेगा और यहां भी 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 माइनस 2 को इधर डिवाइड में भेज दूंगा, अगर मैं डिवाइड में भेजूंगा
तो 2-2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और अगर ये 2-2 अगर नीचे आएगा तो 2-2 इज इक्वल टू 2। अब इधर ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2-2 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 2। अगला स्टेप में बात करूँ तो 4-4 इक्वल टू 0, 0/0 इक्वल टू 2। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि इस स्टेप में रॉन्ग स्टेप है, आप लोगों को रॉन्ग स्टेप ढूंढना है। यहाँ भी वैसे ही मैं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 8, तो यहाँ पर अपने मर्जी से मैं 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर ले लेता हूँ। अब 8 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ भी 2 का स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करूँगा, दोनों साइड अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 8 कॉमन ले लूँगा, बच जाएगा 8-8। नेक्स्ट स्टेप में 8 के 8 का स्क्वायर से 8 होगा, और यहाँ से ये 8 डिवाइड में आएगा, तो 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8/8 इक्वल टू 8 आएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ 64, 8 का स्क्वायर 64 -64, यहाँ पर 8-8 इक्वल टू आ जाएगा आपको 0 इक्वल टू 8। 64-64 इक्वल टू 0, 0/0 इक्वल टू 8, यहाँ पर 0/0 इक्वल टू 2 प्रूव हो गया, यहाँ पर 0/0 इक्वल टू 8 प्रूव हो गया। लेकिन फिर से वही बातें मैं बोलूँगा आपको कि फिर से दोनों के दोनों प्रूव में रॉन्ग स्टेप है, तो आप जल्दी से रॉन्ग स्टेप को ढूंढिए, जल्दी से आप रॉन्ग स्टेप को ढूंढिए और जल्दी से बताइए। अब आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में रॉन्ग स्टेप जल्दी से बताइए कि इसमें क्या रॉन्ग स्टेप है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा कुछ ना कुछ हम सिखाते ही रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका एक सब्सक्रिप्शन और हर एक शेयर हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। रोली गुप्ता फ्रॉम कानपुर की तरह अगर आपके मन में भी कोई स्टडी से रिलेटेड डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं या तो उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।